कैबिनेट की बैठक शुरू, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। शाहीनबाग में गोलीबाज की आप कनेक्शन पर तनातनी, आपकी आयोग से दखल की मांग, बीजेपी ने ठहराई केजरीवाल की साजिश। लखनऊ में आज से होगा 11वें डिफेंस एक्सपो का आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सैन्य शक्ति का दुनिया देखेगी दम। निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी फैसला, केंद्र सरकार ने जल्द फांसी के लिए लगाई थी अर्जी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा हमारी सोच अलग, सत्ता हथियाना, मेरा हिंदुत्व नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में भारत के साथ दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक का रोमांचकारी संगम होगा। 40 देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख व विदेश मंत्री के साथ 54 देशों के डिप्लोमैट व सैन्य डेलीगेट इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बनेंगे। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का असर इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका व स्वीडन समेत कई बड़े देश हमारे साथ रक्षा तकनीक भी साझा करने को उत्साहित हैं। साथ ही देश के साथ दुनिया की नजरें भी 9 फरवरी तक लखनऊ में हो रहे डिफेंस एक्सपो पर टिकी रहेंगी। वहीं डिफेंस एक्सपो में यूपी पुलिस का भी स्टॉल लगाया गया है। यहां पुलिस अपनी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन करेगी। पुलिस के स्टॉल पर यूपी 112 आपात सेवा, कुंभ, एटीएस और यूपी कॉप ऐप का प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि एडीजी यूपी 100 असीम अरुण ने बताया कि स्टॉल पर आने वाले मेहमानों को आपात सेवा 112 की ओर से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो आपको बता दें कि हथियारों का बाजार सज चुका है, पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे करीब लगभग 1:30 बजे। अगले 5 दिनों तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आगाज आज से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। रक्षा प्रदर्शनी में देश की 856 कंपनियां व विदेश के 172 कंपनियां अपने रक्षा उत्पादों के साथ प्रतिभाग करने के लिए पहुंच चुकी हैं। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीडीएस संघ, तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ के शहीद पथ के पास वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो का यह 11वां संस्करण है। 43,021 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले डिफेंस एक्सपो की औपचारिक शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:30 बजे करेंगे, लेकिन इससे पहले 9 बजे ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद अतुल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, साथ ही विवेक श्रीवास्तव, नेता भाजपा, जहां पर आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। दोनों पैनलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत। और रुक करते हुए अतुल जी आपकी तरफ, क्योंकि डिफेंस का जो हथियारों का जो बाजार है वो सच चुका है और अपने सैन्य बलों का कर्तव्य दिखाने के लिए 4 दिनों से प्रैक्टिस के बाद आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की क्षमता को दर्शाने के लिए तैयार है। देखिए सुनती जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी एक आपने एग्जीबिशन भी आप इसको कह सकती है, जो जनता को ज्ञान देने वाली बात है। जनता भी इन चीजों को देखना चाहती है कि हमारे भारतवर्ष में क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, चाहे वो मारक क्षमता को लेकर हो, चाहे हवाई क्षेत्र को लेकर हो, चाहे आप जल थल वायु तीनों को ले लीजिए। और योगी जी को इसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए सुधी जी, क्या है कि दुनिया जो है इस दम को देखने के लिए बरकरार है, दुनिया इस चीज को देखना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन चीजों को उत्तर प्रदेश दिखाना चाहता है, और इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी मानी जा सकती कि जिस एक्सपो का उद्घाटन यहाँ के पीएम करने के लिए तत्पर हो। और उसके बाद में आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि गोमती की सफाई को लेकर देखिए, एक्सपो एक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए खासकर है कि गोमती हमारी निर्मल हो चुकी है।
जिसके लोगों ने जिसके लिए काफी कुछ कह रखा था, सुन रखा था, उसके लिए भी मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि इस एक्सपो के बहाने गोमती को निर्मल किया गया, स्वच्छ किया, साफ किया गया। आप देखिए सबसे बड़ी बात श्रुति जी क्या है कि ये जो एक्सपो लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले कुछ हथियार हैं जिन पर निश्चित है कि सबका ध्यान जरूर रहेगा। आप सीईटी को ले लीजिए जिसमें 65 ई टार्पीडो ये भी शामिल होगा, 155 एमएम भी शामिल होगा और 52 कैल अल्ट्रा लाइट हथियार भी शामिल किए जाएंगे। तो जनता को इन सब चीजों को बताया भी जाएगा कि क्या है, इनसे क्या होता है, इससे क्या किया जा सकता है। इस समय पे देखिए कुछ तो कारण है कि जनता जाने के लिए बेकरार है। आप देख और इसके टिकट भी देखिए श्रुति जी लगाए गए। उसके बाद सरकार ने क्या किया यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्या पूरे इंडिया की जनता के लिए उन्होंने 2 दिन इस चीज को फ्री भी कर रखा है, क्या आप इस चीज को देखिए। और पिछले 3 दिन से तो श्रुति जी मैं खुद देख रहा हूँ कि आसमान के ऊपर आवाजें आया करती है। कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा चैनल पे कि 3-4 दिन से इन चीजों की प्रैक्टिस चल रही है, तो जनता इस चीज को समझ चुकी है कि एक बहुत बड़ा टारगेट है और उसको देखने हमें जरूर जाना है। बिल्कुल। और विवेक जी क्योंकि 2 साल में हर 2 साल में ये डिफेंस एक्सपो लगता है, 2018 के बाद 2020 में आप ही की सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ है और हथियारों की दृष्टि से ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जहां देश की 856 कंपनियां इसमें सम्मिलित हो रही हैं, तो वहीं विदेशों की 172 कंपनियां आज सैन्य बलों के साथ साथ सैन्य हथियारों का भी कर्तव्य देखने के लिए उत्साहित है। श्रुति जी पहले भारत केवल विदेशों से हथियार खरीदता था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से भारत हथियार उत्पादक देश बन गया। हमने तमाम प्राइवेट कंपनियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। आज हम विदेशों को हथियार निर्यात करने की स्थिति में और जिस तरह की ये प्रदर्शनी लग रही है ये लखनऊ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लखनऊ की सरजमीं पे प्रधानमंत्री भी हों, रक्षा मंत्री भी हों और तीनों सेना के सेना अध्यक्ष भी हों और चीफ ऑफ डिफेंस भी हों। ऐतिहासिक क्षण है लखनऊ के लिए और इसका पूरा श्रेय प्रदेश सरकार को है, भारत सरकार को, जिसने पहले तो भारत सरकार ने हमें मौका दिया और प्रदेश सरकार ने इसको तत्परता से हासिल किया। ठीक है ठीक है ठीक है लगी एक से ठीक है। तो आपको आपको बता दे कि आपको सीधे लेकर चल रहे हैं लोकसभा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। और अयोध्या की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की
भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें वसुधैव कुटुंबकम दर्शन करने के और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, पारसी और जैन हो, हम सभी एक बृहत परिवार के ही सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार